हेलो ऑल। सो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गेट रिक्वेस्ट के पैरामीटर्स, दैट इज क्वेरी पैरामीटर्स एंड पाथ पैरामीटर्स। सो ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, कैसे डेटा भेजा जाता है इनके थ्रू और कैसे वो यूज आते हैं। सो लेट्स गो थ्रू पीपीटी एंड लर्न अबाउट दिस। गेट रिक्वेस्ट पैरामीटर्स, इसका मतलब होता है कि जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो आप रिक्वेस्ट के साथ साथ आपको कुछ डेटास, कुछ वैल्यूज, कुछ पैरामीटर्स भी सेंड करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज मुझे एक एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए जिसका आईडी 104 है, तो जब मैं ये रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ तो मुझे 104 डेटा साथ में सेंड करना होगा। सो ये जो मैं डेटा साथ में सेंड कर रही हूँ, दैट इज द रिक्वेस्ट पैरामीटर्स। आप लोग, हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कलेक्शंस एंड वेरिएबल्स पढ़ा था, तो कलेक्शंस एंड वेरिएबल्स इज आल्सो अ काइंड ऑफ पैरामीटर, बट वो एक वेरिएबल बन रहा है। यहाँ पे हमने उस वेरिएबल को भेजना कैसे है सर्वर पे, उस चीज को हम लोग रिक्वेस्ट पैरामीटर में सेंड करते हैं। इसको हम गेट रिक्वेस्ट पैरामीटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप गेट की रिक्वेस्ट भेज रहे हो, आप तभी इन पैरामीटर्स को भेजते हो। स्पेशली स्पेशली ये गेट रिक्वेस्ट के साथ ही क्रिएट किए गए, उसके साथ भेजने के लिए ही डिजाइन किए गए। सो ये रिक्वेस्ट भेजने के दो तरीके होते हैं, क्वेरी पैरामीटर एंड पाथ पैरामीटर। सो देयर आर डिफरेंट प्रोसेस इन दोनों को भेजने का, और इन दोनों के पर्पसेस कुछ अलग है। सो हम नेक्स्ट कमिंग वीडियो में क्वेरी पैरामीटर कैसे काम करता है और पाथ पैरामीटर कैसे काम करता है, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट।